जो कोई योद्धा लड़ाई में जाता है तो इसलिए कि अपने आप को भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। तो जो योद्धा है ना, एक अच्छा योद्धा बनना है तो योद्धा जो लड़ाई में जाता है क्या लक्ष्य रखता है कि मैं अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करूं, अपने मालक को प्रसन्न करूं। आपको खुदा ने दुनिया में आत्मिक युद्ध के लिए, शैतान की शक्तियों के लिए भेजा है कि आपके अंदर ये लक्ष्य है, उस आत्मिक युद्ध में दुष्ट आत्मा की शक्तियों को खदेड़ते हुए मसीह का प्रचार हर एक तक पहुंचाना है। योद्धा लड़ाई पर जब वो भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे तो प्रसन्न करने के लिए वो क्या करता है, योद्धा अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। यहां पर वो योद्धा है आप जिन्होंने अपनी आत्मा को परमेश्वर को सौंपनी है। अपने आप को आम ना देखो, अगर तूने अपनी आत्मा प्रभु को सौंप दी तो तुम एक योद्धा हो, हजारों लाखों को सैमसन की तरह मारने वाले, दाऊद की तरह मारने वाले, शाऊल की तरह मारने वाले। हालेलुया, एक एक योद्धा लाखों को हजारों को मार देते थे उस समय। तुम एक आत्मिक योद्धा हो जिन्होंने आत्मा सौंप दी है। तो वो भर्ती करने वाले को कह सकते हो लहू देके खरीदने वाले को प्रसन्न करता है योद्धा, भर्ती करने वाले को, अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता। योद्धा को पता है मुझे संसार के काम में नहीं फंसाना, फौजी को पता है मुझे संसार के कामों में नहीं फंसाना। वो पूरा उनकी सोच देखना कैसी कर दी होती ट्रेनिंग के द्वारा, संसार के काम में इनका मन ना रहे। ओ मेरी वाइफ, ओ मेरे बच्चे, ओ मेरा परिवार, ओ गोली ना लग जाए, मेरी वाइफ मेरे बच्चे का क्या होगा। नो, इतना वो सारे संसार से कट ऑफ हो जाते हैं एक लड़ सके। पर हम एक आत्मिक युद्ध में हैं। आपका प्रभु को प्रसन्न करने के लिए क्या कर रहे हो, क्या आप और कुछ बात तो बाद में, क्या आप प्रभु को प्रसन्न करने के लिए आज अपनी आत्मा उसे सौंप सकते हैं। फैसले लेकिन जो कोई चाहे यहोवा उसके साथ रहे, वह उठकर ये स्टेप ले, मतलब वो फैसला ले। जो कोई चाहे परमेश्वर उसके साथ रहे वो फैसला ले, एक वचन में लिखा है। फैसला लेना होगा, अगर आप चाहते हैं तो आपकी आत्मा पर कब्जा करें, उसे प्रसन्न करना चाहें तो फैसला ले।